रायसेन जिले के बेगमगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम खजुरिया में निवास करने वाला मजदूरी करने गया युवक शाम को घर पहुंचा तो बीवी गायब मिली। बच्चा रोता हुआ देख पति उसे ढूंढने यहां वहां गया, लेकिन कहीं नहीं मिलने पर बुधवार को पुलिस थाने पहुंचकर रिपोर्ट लिखाई। मजदूर की महिला अपने परिवार को छोड़कर बिना बताए कहीं चली गई, जिसका पति थाने पहुंचा और रोता हुआ पुलिस से बोला, साहब मेरी बीवी छोड़कर चली गई है, ढूंढ कर लाओ। जानकारी अनुसार थाना बेगमगंज क्षेत्र के ग्राम खजुरिया बरामद गढ़ी निवासी शिव नारायणपुर सुबह मजदूरी करने निकल गया। शाम को जब घर लौटा तो उसकी पत्नी घर में नहीं मिली और पुत्र कार्तिकेय अकेला था और रो रहा था। फिर आसपास गांव में देखा लेकिन कहीं पर भी नहीं मिली। रात को पत्नी का फोन आया कि मुझे कुछ लोग जबरदस्ती उठा लाए हैं, बेटा घर पर अकेला है, ख्याल रखना। बुधवार को शिव नारायण रजक फरियाद लेकर बेगमगंज थाना पहुंचा और आवेदन देकर बोला, साहब बच्चा रो रहा है, पुलिस से बोलकर बीवी को ढूंढ कर लाओ। पुलिस ने फरियादी का आवेदन लेकर जांच में ले लिया है और महिला की तलाश शुरू कर दी है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए रायसेन से देवेश पांडे की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, या आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का। रायसेन जिले के बेगमगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम खजुरिया में निवास करने वाला मजदूरी करने गया युवक शाम को घर पहुंचा तो बीवी गायब मिली। बच्चा रोता हुआ देख पति उसे ढूंढने यहां वहां गया, लेकिन कहीं नहीं मिलने पर बुधवार को पुलिस थाने पहुंचकर रिपोर्ट लिखाई। मजदूर की महिला अपने परिवार को छोड़कर बिना बताए कहीं चली गई, जिसका पति थाने पहुंचा और रोता हुआ पुलिस से बोला, साहब मेरी बीवी छोड़कर चली गई है, ढूंढ कर लाओ। जानकारी अनुसार थाना बेगमगंज क्षेत्र के ग्राम खजुरिया बरामद गढ़ी निवासी शिव नारायणपुर सुबह मजदूरी करने निकल गया। शाम को जब घर लौटा तो उसकी पत्नी घर में नहीं मिली और पुत्र कार्तिकेय अकेला था और रो रहा था। फिर आसपास गांव में देखा लेकिन कहीं पर भी नहीं मिली। रात को पत्नी का फोन आया कि मुझे कुछ लोग जबरदस्ती उठा लाए हैं, बेटा घर पर अकेला है, ख्याल रखना। बुधवार को शिव नारायण रजक फरियाद लेकर बेगमगंज थाना पहुंचा और आवेदन देकर बोला, साहब बच्चा रो रहा है, पुलिस से बोलकर बीवी को ढूंढ कर लाओ। पुलिस ने फरियादी का आवेदन लेकर जांच में ले लिया है और महिला की तलाश शुरू कर दी है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए रायसेन से देवेश पांडे की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, या आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का। रायसेन जिले के बेगमगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम खजुरिया में निवास करने वाला मजदूरी करने गया युवक शाम को घर पहुंचा तो बीवी गायब मिली। बच्चा रोता हुआ देख पति उसे ढूंढने यहां वहां गया, लेकिन कहीं नहीं मिलने पर बुधवार को पुलिस थाने पहुंचकर रिपोर्ट लिखाई। मजदूर की महिला अपने परिवार को छोड़कर बिना बताए कहीं चली गई, जिसका पति थाने पहुंचा और रोता हुआ पुलिस से बोला, साहब मेरी बीवी छोड़कर चली गई है, ढूंढ कर लाओ। जानकारी अनुसार थाना बेगमगंज क्षेत्र के ग्राम खजुरिया बरामद गढ़ी निवासी शिव नारायणपुर सुबह मजदूरी करने निकल गया। शाम को जब घर लौटा तो उसकी पत्नी घर में नहीं मिली और पुत्र कार्तिकेय अकेला था और रो रहा था। फिर आसपास गांव में देखा लेकिन कहीं पर भी नहीं मिली। रात को पत्नी का फोन आया कि मुझे कुछ लोग जबरदस्ती उठा लाए हैं, बेटा घर पर अकेला है, ख्याल रखना। बुधवार को शिव नारायण रजक फरियाद लेकर बेगमगंज थाना पहुंचा और आवेदन देकर बोला, साहब बच्चा रो रहा है, पुलिस से बोलकर बीवी को ढूंढ कर लाओ। पुलिस ने फरियादी का आवेदन लेकर जांच में ले लिया है और महिला की तलाश शुरू कर दी है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए रायसेन से देवेश पांडे की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, या आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।